जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली डिस्कशन इसके पीछे होगी, जो इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, तकरीबन 5-5% का इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। तो ये गिरावट अचानक से इसमें क्यों होने लगा और गिरावट कहाँ जाकर थमेगा, इसको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये तो जो मेन की पॉइंट हो गया, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुरू से करेंगे और हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ताकि जो नए व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी जानकारी मिल सके कि ये स्टॉक कैसा है, और बाकी जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें तो समय इसमें देना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग काम के बारे में बात करेंगे, काम और फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा BSE इंडिया की वेबसाइट पर चल के अपडेट लेते हैं कि इस स्टॉक के बारे में लेटेस्ट क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर। BSE इंडिया की वेबसाइट पर मैंने ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक अभी ASM स्टेज 4 में आपको जाते हुए दिखाया। पहले ये ASM स्टेज 4 में नहीं था, रेड फ्लैग में अभी आया है। रेड फ्लैग में आने के बाद से इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो स्टॉक आपको लगातार लोअर सर्किट में चलते हुए दिखेगा। यहाँ भी लोअर सर्किट, यहाँ भी आप देखिए तमाम जगह आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो 5 फरवरी से ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट में चलते हुए दिख रहा है। अब लोअर सर्किट में आने के बाद दिक्कत ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको सेल करना चाहेगा तो ये सेल ही नहीं होगा। ये सामान्यतः जो सर्किट वाले प्रॉब्लम्स आती हैं छोटे स्टॉक में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है कम, और जहाँ ये शॉर्ट आउट होना शुरू होता है वहाँ फंस जाते लोग। तो इसलिए देखिए, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड एक बेहतरीन स्टॉक है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका भविष्य है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर लोअर सेक्टर में रहेगा, जिंदगी भर ASM 4 में रहेगा। तत्कालिक गिरावट है, तत्कालिक गिरावट से आपको घबराना नहीं है। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश इसमें किए हैं तो मैं आगे आपको इसमें इसके बारे में टेक्निकल जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझाऊंगा कहाँ तक इसमें आप बने रह सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बाकी डिटेल्स समझते हैं कंपनी के। सबसे पहले काम से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपको काम करते हुए दिखेगी। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, मैंने ये नहीं कहता कि सभी कंपनियां ग्रो कर जाएंगी, लेकिन जो उसमें काम करने वाली एक छोटी कंपनी है, छोटी कंपनियों में ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि इसका फंडामेंटल भी उतना कैपेबल है कि आने वाले समय में एक बेहतरीन स्टॉक बंस और बेहतरीन बना भी, रिटर्न निकाल कर दिया भी, लोगों का प्राइस 10 रुपये से 40 रुपये तक गया है, ये कोई साधारण बात नहीं है बहुत कम समय में, और आगे भी इसके प्राइस मूवमेंट होते रहेगा। क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल सेक्टर में, बेसिकली ये कंपनी आपको सोलर पावर प्लांट्स बनाते हुए दिखेगी, आपको तमाम जो चीज़ें होती हैं जैसे आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई उसके लिए कंपनी बैटरीज बनाती है, तो ये सभी डिमांडेबल चीज़ें, और जिस कंपनी का डिमांड रहेगा, मतलब जो डिमांडेबल चीज़ें कंपनी बनाती है, तो जाहिर सी बात है उसमें कंपनी की शेयर प्राइस में तेजी लंबी अवधि में आएगी। चलिए फंडामेंटल समझे तो तकरीबन 1600 से 1800 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप बढ़ा है चूंकि शेयर प्राइस बढ़ने के साथ मार्केट कैप बढ़ता है, और शेयर प्राइस कम होता है तो मार्केट कैप कम होता है। तो लेकिन अभी पहले के तुलना में देखें तो 4 साल पहले की तुलना में मार्केट कैप काफी बढ़ा है। स्टॉक का PE काफी महंगा है, इतना महंगा वैल्यूएशन पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जहां पे चार्ट पर हम देखेंगे कहां पे शानदार लेवल निकल कर सामने आता है, वहां पे इस कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे। इस कंपनी का शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से ज्यादा है, ये बहुत बढ़िया बात है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये अभी बहुत कम है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 1% तो होना ही चाहिए, 1% से कम है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब शेयर प्राइस बढ़ेगा, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर के जो रिजल्ट आते हैं उससे जब कंपनी का फंडामेंटल बेहतर होगा, और इससे जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको बेहतर होते हुए दिखेगा। अब हम लोग आ गए यहाँ पे 1 साल के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझे। तो ये जो इसके लिए लेवल था, यहाँ पे कुछ दिनों तक स्टॉक ने कॉन्सोलिडेट किया था 15 रुपये से 20 रुपये का लेवल। इसको जब ये इस लेवल को इस स्टॉक ने ब्रेक किया तो सीधे इसका प्राइस आपको 20 रुपये से 40 रुपये तक जाते हुए दिखा, यानी कि बहुत कम समय में इस स्टॉक ने अपने जो पैसे होते हैं, जो शेयर होते हैं, उसको डबल किया। तो 2-3 बात समझ। सबसे पहले एक तो इतना लंबा छलांग लगाया बिना रुके, तो जाहिर सी बात है कि एक सर्टन लेवल पर जाने के बाद वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनता है। कोई भी स्टॉक जब टॉप पर पहुंच जाता है तो वहाँ से प्राइस में करेक्शन होता है, और वही करेक्ट होने के लिए प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से भी कर सकते हैं स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं जिसको वो न्यूज़ की बदौलत स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, करेक्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 रुपये तक आ ही गया है, 25 रुपये तक आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये वापस 20 रुपये तक आएगा और फिर 20 रुपये से करेक्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टॉक करेक्ट होना आता है तो वो अपने हाफ लेवल तक आता है, यानी कि 30 से 25 रुपये तक आएगा, और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर प्राइस ऊपर उठेगा। तो नए व्यक्ति अभी जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अभी इंट्री मतलब भी प्राइस गिर रहा है, देखना है हमें कि कहाँ से आके ये सपोर्ट ले रहा है, और कहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर उठ रहा है। जहाँ से प्राइस ऊपर उठने लगा वहीं पर एंट्री ले सकते हैं, और हर ग्राउंड पर आप चाहते हैं इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। जो भी कीजिएगा अपनी सोच समझ और एनालिसिस की मदद कीजिएगा। मेरी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। 10 साल का यहाँ पर चार्ट ओपन करें तो आप देखेंगे कि तकरीबन यहीं पर इस कंपनी का एक रेजिस्टेंस था 35 रुपये से, एक रेजिस्टेंस कभी भी एक सर्टन नंबर नहीं होता, बेसिकली एक जोन होता है। तो 35 से 40 रुपये के बीच का एक रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस पर जाने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यदि हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखें तो Q3 के नंबर आ गए हैं। सेल्स दिसंबर क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वह भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। तो जाहिर सी बात है
कह सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर आ रहे हैं वो बढ़िया आ रहे हैं। क्वार्टर के नंबर जब लगातार बढ़िया आते हैं तो उससे कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत होता है, और जब फंडामेंटल मजबूत होता है और कंपनी के यदि जिस सेक्टर में काम करते हैं उसका डिमांड रहता है, यानी कि काम का भी डिमांड रहता हो, तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, आपका पैसा इसमें बनता है। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में जानकारी मैंने आपसे साझा की, मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे आपको इस बात समझ पा रहे होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।